गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 17 जुलाई और दोपहर के बज रहे हैं 12:20। हम अपने लाइव सेशन से थोड़ा सा ही दूर हैं फ्रेंड्स। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल का नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स। अगर ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हों या फिर आपकी पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर रहे हों और या फिर आप इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख रहे हों, साथ ही आप में से वो लोग जो जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि हमारा ये चैनल और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप दो के दोनों ही शेयर्स को करते हैं थॉरोली, फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज, और उसके बाद लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो शेयर्स के तौर पर बाइंग की सलाह हम देते हैं, जिनमें मिनिमम पोजिशन निफ्टी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजिशन ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में शेयर्स रखने की हम सलाह देते हैं। अगर आप हैं एक ऑप्शन ट्रेडर या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर और इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, ये चैनल आपकी इस संबंध में कोई मदद नहीं कर सकता, बट पोर्टफोलियो बनाने में, शेयर्स को थॉरली एनालाइज करने में हम बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज का ये सेशन बेहद खास है। अगेन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज थी, जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, 20 वीडियोज़ की एक चेन के अंदर हमने आपको बेसिक्स सिखाए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और उसके बाद आप सभी के रिकमेंडेशन पर और आप सभी के कहने पर हमने फंडामेंटल एनालिसिस शुरू की है। एक एक करके एक पर्टिकुलर सेशन में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक उठाते हैं और उसे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको सिखाते हैं कि फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए किसी भी शेयर को आपको किन बातों को जानना ज़रूरी है। इस सीरीज़ की 7 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं और फ्रेंड्स, हमारी रिकमेंडेशन है आपसे कि जब भी कभी आप फंडामेंटल एनालिसिस का कोई भी वीडियो देखें तो इसे हमेशा शुरुआत से शुरू करें, वीडियो नंबर 1 से ही देखना शुरू करें, क्योंकि बीच के अगर आप कोई वीडियोस उठाएंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसे हमने इस सीरीज में बनाया है इसलिए, ओके। आज इसी सीरीज का अगला वीडियो हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो कि है वीडियो नंबर 8, बुक वैल्यू के बारे में। कल रात का जो सेशन हुआ है उसमें हमने बुक वैल्यू को डिटेल एनालाइज किया है और जो हमारे सब्सक्राइबर्स और जो लाइव जुड़े हुए थे हमारे दर्शक, उनको एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि सर इस पर एक वीडियो भी बनाकर दीजिए, और उसी के लिए आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसका टॉपिक है कि बुक वैल्यू बेसिकली क्या है। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि फाइनेंस के जितने भी टर्म्स हैं इन्हें बेहद कठिन रखा जाता है। ऐसा हमारा मानना है कि फाइनेंस के जो टर्म्स हैं इन्हें बेहद कठिन रखा जाता है, और उसकी वजह यह है कि फाइनेंस सेक्टर कभी भी ये नहीं चाहता कि आम पब्लिक को ये पता चले कि फाइनेंस असल में काम कैसे करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में, चाहे आप इंटरनेशनल बिजनेस ले लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ले लीजिए या फिर इस नेशनल सिस्टम को ले लीजिए, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है फाइनेंस यानी पैसा, और ये जानकारी ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लिमिटेड लोगों को पता होना चाहिए कि पैसा इस सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करता है। इसीलिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों को भी कठिन बनाकर पेश किया जाता है फाइनेंस सेक्टर के अंदर। सेम वही चीज़ है बुक वैल्यू के बारे में भी। नाम इतना भारी है कि बुक वैल्यू, और जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बुक वैल्यू एकदम हल्की चीज़ है। सो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुक वैल्यू असल में क्या होती है, बुक वैल्यू है क्या चीज़। सो ध्यान से सुनिए, अगर आज की डेट में आप किसी ABC कंपनी के मालिक हैं, उस कंपनी की एक अच्छी खासी रेपुटेशन है मार्केट में, उसका एक अच्छा खासा बिजनेस है, अगर आज की डेट में आप उस कंपनी को बेच दें पूरी तरह से, कंपनी का जितना भी हार्ड एसेट है यानी कि ज़मीन, कंपनी की फैक्ट्रीज, जो कुछ भी है वो सब बेच दें, इवन कंपनी का गुडविल भी बेच दें। गुडविल क्या है कि कंपनी के ब्रांड की जो वैल्यू है वो भी, आपने पूरी कंपनी बेच दी, कुछ भी नहीं बचा आपके हाथ में, सारा कैश आपके हाथ में आ गया, देन कंपनी के ऊपर आज की डेट में जितना भी उधार है वो सब कुछ, पूरा उधार चुका दीजिए हर आदमी का। पूरा उधार चुकाने के बाद आपके हाथ में जो पैसा बचता है उसे हर एक शेयर धारक को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जिसके पास एक भी शेयर है, तो हर एक शेयर धारक को प्रति शेयर जो पैसा मिलेगा वो कहलाता है बुक वैल्यू। अगेन, दोबारा से आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसे दूसरे सिनेरियो में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास XYZ कंपनी का एक शेयर है, और आज की रेट में XYZ कंपनी का मालिक उस कंपनी को बेच देता है, पूरी कंपनी को, बेचने के बाद जितनी उधार थी उस कंपनी की वो सारी चुका देता है, सारे उधार, और उधार चुकाने के बाद जो पैसा बचता है वो कहता है कि अब मैं इसके जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनमें ये पैसा बांट दूंगा। तो आपके पास कंपनी का एक शेयर है, तो आपके हाथ में जितना पैसा आएगा प्रति शेयर कंपनी के उधार चुकाने के बाद, वो वैल्यू असल में कहलाती है बुक वैल्यू कंपनी की।
अब अगला क्वेश्चन ये कि हमको ये तो पता चल गया कि बुक वैल्यू क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि आखिर बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते समय बुक वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू आप एक साल की देखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखती है बट बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर आप पिछले 10 साल 5 साल या 20 साल की बुक वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। कैसे? अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ती रहे, यानी कि आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है और 5 साल पहले अगर कंपनी बिकती तो आपके हाथ में आते 100 रुपए, अगले साल अगर कंपनी बिके तो आपके हाथ में आएंगे 110 रुपए, अगले साल अगर बिके तो आएंगे 120 रुपए। इसका मतलब कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है तो जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और ये बताइए कि बुक वैल्यू का बढ़ना क्या संकेत देता है आपके लिए। सेकंड सिनेरियो, अगर पिछले 5 सालों में कॉन्टिन्यूअसली किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू लगातार घट रही है, यानी कि प्रति शेयर जो आपको पैसा मिलेगा कंपनी बेचने के बाद वो लगातार घटता जा रहा है, तो ये चीज क्या संकेत कर रही है, जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए। अब हम आपको उसका आंसर बता देते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू अगर लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी में स्ट्रेंथ आ रही है, कंपनी मजबूत हो रही है। वो बुक वैल्यू चाहे जिस वजह से बढ़ रही हो, कि कंपनी ने अपना धंधा बढ़ाया है इसलिए बुक वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है इसलिए बुक वैल्यू बढ़ रही है, या कंपनी ने अपना लोन कम कर दिया है इसलिए बुक वैल्यू बढ़ रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चाहे कंपनी अपना धंधा बढ़ा दे तो भी कंपनी अच्छी हो जाएगी, कंपनी अपना लोन कम कर दे तो भी कंपनी अच्छी हो जाएगी। हमको इससे मतलब नहीं है कि बुक वैल्यू किस वजह से बढ़ रही है, बट अगर पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी की बुक वैल्यू में कॉन्टिन्यूअसली ग्रोथ आई है तो इसका मतलब है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये कंपनी एक स्ट्रांग कंपनी है, निवेश के लायक कंपनी है। दूसरी तरफ अगर कंपनी की बुक वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है पिछले 2 सालों में 3 सालों में कॉन्टिन्यूअसली, और 5 सालों में अगर घटी है तब तो कंपनी की हालत बहुत ही खराब है। अगर बुक वैल्यू लगातार घटती जा रही है तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो ये चीज़ दर्शा रही है कि कंपनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा सतर्क होके देखना चाहिए कंपनी की बाकी की बैलेंस शीट देखते समय। हम सिर्फ बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। हम ये नहीं बात करेंगे कि कंपनी के डेट पर क्या असर पड़ रहा है या कंपनी के टॉप लाइन पर क्या असर पड़ रहा है, नहीं। अगर बुक वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब कंपनी स्ट्रेंथ में है, अगर बुक वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब कंपनी थोड़ी सी वीकनेस के साथ में है। ये है सबसे पहली इंपॉर्टेंस बुक वैल्यू की। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या आती है बुक वैल्यू की, और बुक वैल्यू आपको मिलती कहाँ है? अगेन सेम, मनी कंट्रोल खोलिए, सर्च बॉक्स में जाकर कंपनी का नाम डालिए, आपको ये फ्रंट पेज मिलेगा। इसी फ्रंट पेज में जहां पर आपको ये स्टैंड अलोन बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगा बुक वैल्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुक वैल्यू की क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा इसे। अगर आज की डेट में किसी कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी अगर 10 रुपए पर ही ट्रेड भी कर रही है, ध्यान से सुनिए इसे कितनी शानदार चीज है ये। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी 10 रुपए पर ही ट्रेड भी कर रही है, यानी शेयर का रेट भी 10 रुपए है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंपनी बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। आम तौर पर यह सिचुएशन किसमें होती है? स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियों में, जो कंपनी बिल्कुल अभी अभी पैदा हुई हैं, बिल्कुल अभी पैदा हुई हैं, उन कंपनियों में जो आपका बुक वैल्यू है और कंपनी करेंटली जिस रेट पर ट्रेड कर रही है यानी मार्केट प्राइस, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम या फिर कभी कभार 2 गुने का भी फर्क होता है। तो आपके लिए जानने लायक इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर मार्केट प्राइस यानी जिस रेट पर कंपनी करेंटली ट्रेड कर रही है यानी CMP करेंट मार्केट प्राइस, अगर वो बुक वैल्यू से 6-7 गुने या 10 गुने के आसपास है तो ये समझिए कि कंपनी बहुत महंगी अभी ट्रेड कर रही है, तब आपको कंपनी को करंट लेवल पर बाय करने से बचना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बुक वैल्यू से कितने गुने पर मार्केट प्राइस है करंटली। ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपए है और मार्केट प्राइस कंपनी का 100 रुपए चल रहा है तो इसका मतलब 10 गुने पर ट्रेड कर रही है। 10 गुना बहुत महंगा होता है भाई,
क्योंकि आज की डेट में अगर कंपनी पूरी बेच दी जाएगी तो हमारे हाथ आएगा 10 रुपये, और शेयर प्राइस है उसका प्रति शेयर 100 रुपये, तो हम इतना महंगा क्यों खरीदेंगे भाई, हम 10 गुने पर क्यों खरीदेंगे किसी शेयर को। तो फिर हम ऐसी कोई कंपनी ढूंढेंगे जिसके मार्केट प्राइस और जिसकी बुक वैल्यू के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, 2 गुने पर ही ट्रेड कर रही हो कंपनी, हम ऐसी कंपनी ढूंढेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो निवेश करते समय आपको देखना चाहिए। बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर 10 गुना 20 गुने पर है तो ऐसी कंपनी में बाय करते समय आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो कि है अदानी गैस का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपने सीख रखा है 2 रुपये है केवल, मार्केट कैपिटल 19,000 करोड़, पीई 84 यानी 84 का, बुक वैल्यू 10 की है और प्राइस टू बुक रेशियो 20% का है। बुक वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी 175 रुपये पर ट्रेड कर रही है। अब जरा ये बताइए कि पीई 84 का, बुक वैल्यू 10 की और कंपनी का रेट 175 यानी बुक वैल्यू से कंपनी 17 गुने पर ट्रेड कर रही है, क्या आप अदानी गैस में करंट लेवल पर बाय करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें ये बताइए। ये वजह है कि जब भी कोई हमसे पूछ रहा है अदानी गैस के बारे में, हमने सिरे से उसे नेगलेक्ट किया है कि अदानी गैस में हमारी तरफ से कोई बाई नहीं है। पीई इतना हाई है और बुक वैल्यू से कंपनी का सीएमपी इतना हाई है, जिसे हम प्राइस टू बुक रेशियो कहते हैं, ये इतना हाई है, हमारे लिए ये बाई नहीं बनता है। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि 8 एपिसोड देखने के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर कि पी अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू, ये जानकर क्या अदानी गैस को आप बाई करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ एक काम और कीजिए, कुछ और कंपनियों का ज़रा बुक वैल्यू और उनके प्राइस को एनालाइज कीजिए, ठीक? जैसे कि बुक वैल्यू 145 रुपीज़ है इन्फोसिस की और प्राइस चल रहा है 792। बुक वैल्यू से प्राइस का जो रेशियो है वो देखिए तकरीबन 5.5 गुना ही है, तो ये कंपनी फेयर वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, इसलिए इन्फोसिस इन स्तरों पर भी बाइंग करने के लिए एक अच्छी ट्रेड है। PE 23 का माइथन अलॉय, दूसरी तरफ ध्यान से देखिए, कंपनी स्मॉल कैप की है, अर्निंग पर शेयर 87 का है, बुक वैल्यू 384 रुपीज़ का है और कंपनी इस समय ट्रेड कर रही है 540 पर, प्राइस टू बुक सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुने पर है। ये कंपनी खरीदने लायक है माइथन अलॉय या अदानी गैस खरीदने लायक है? ठीक। सो सिर्फ और सिर्फ आपको बुक वैल्यू के बेसिस पर यह काम करना है। साथ ही एक काम आपको और करना है, कुछ कंपनियों के नाम कमेंट बॉक्स में डालिए और ये बताइए कि बुक वैल्यू उनकी कितनी है, करेंटली मार्केट प्राइस उनका कितना है और क्या मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है बुक वैल्यू से, तो वो कंपनी बाइंग के लायक है या नहीं है। सिर्फ हर एक निवेशक को या जो भी लोग इसे देख रहे हैं, स्पेशली जो लर्न टू अर्न सीरीज़ के हमारे 60 व्यूअर्स अब तक हो चुके हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारे लाइव सेशन से जुड़ते हैं, उनका ये काम है, आपको ये करना ही है। एक कंपनी का नाम ढूंढिए, उसकी बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू से उसका प्राइस कंपेयर कीजिए और बताइए कि क्या आप इस कंपनी को बाय करेंगे या नहीं। फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई कहे कि मुझे माइथन एलॉय ख़रीदना है, तो बजाय इसके कि आप उसकी बात सुनते ही माइथन एलॉय बाय कर लें, आप ये कहें कि रुको पहले मुझे इसकी बुक वैल्यू का कंपैरिजन करने दो इसके शेयर प्राइस से, पहले मुझे इसका चार्ट देखने दो, मुझे ये देखने दो कि मार्केट कैप कितना है, अर्निंग पर शेयर क्या है, पीई क्या है। यानी कि बिना आगे पीछे देखे, बिना आप शेयर को बाय करने के पीछे मत जाइए। ये वो एटीट्यूड है जिसे आपको मार्केट में डेवलप करना चाहिए और ये हमारा तरीका है शेयर एकेडमी का, जिसके लिए हम आपको सिखा रहे हैं। नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स नो नॉलेज। तो आपने नॉलेज गेन कर लिया टेक्निकल एनालिसिस का, तो जब तक आप चार्ट नहीं देखते हैं तब तक शेयर में बाय करने की राय नहीं बनाते हैं। सेम वैसे ही फंडामेंटल्स आप सीख रहे हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए। और फ्रेंड्स महीने भर के बाद, सिर्फ एक महीने के बाद, फंडामेंटल्स देखने में किसी भी कंपनी के, आपको एक कंपनी के फंडामेंटल देखने में आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा मोटा मोटी, कि ये पता चल जाएगा कि इसके बारे में और स्टडी करनी है या नहीं करनी। आप कचरे से
अच्छे शेयर को अलग कर लेंगे, इतने समझदार आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेशंस के अंदर हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं उस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस का, ठीक है। सो ये काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि क्यों, एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम दीजिए, उसका बुक वैल्यू दीजिए और उसका प्राइस दीजिए, और उसके बाद ये बताइए कि क्या इसको आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा है या फिर बहुत सस्ता है। ओके, सेशन कितनी देर का हो गया फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। ओके, 15 मिनट का सेशन। सो इस सेशन के दौरान हमने जो चीज़ें कंसीडर की फ्रेंड्स, वो थी कि बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, किन परिस्थितियों में बुक वैल्यू का इस्तेमाल हम कंपनी को किसी भी शेयर को खरीदने के लिए कर सकते हैं, या किन परिस्थितियों में हम बुक वैल्यू के जरिए किसी भी शेयर को अवॉइड करते हैं। सेकंड, बुक वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच का जो रेशियो है उसका क्या इस्तेमाल है। उम्मीद है कि जो ये सेशन था फ्रेंड्स, और सेशन का नाम था कि बुक वैल्यू क्या है और कितना यूजफुल है, कितना यूज़फुल है, ये न केवल आपको पसंद आया होगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए ये सिखाने वाला होगा। और अगर शेयर अकेडमी के इस सेशन से आपने कुछ सीखा है, आपको लग रहा है कि ये सेशन इंपॉर्टेंट रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, और अगर आप चाहें तो इस चैनल की मदद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम करके आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी अपने डोनेशंस दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, जिसे हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मार्केट में आप और आपका नॉलेज, इसके अलावा कोई तीसरा आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। बिजनेस चैनल्स, हमारे जैसे यूट्यूबर चैनल्स, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स, कोई मदद करने नहीं आएगा आपकी। आपकी मदद सिर्फ आप और आपका नॉलेज ही कर सकते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ में और सीखते रहिए। और हमेशा याद रखिएगा दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।